ओपे गिर गई। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। इसी देर का इंतजार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा सैटरडे है एंड आज हमारा फाइनली प्लान बन रहा था कि यार हम सब मिले, बैठे, रात हो, मतलब सारे जितने भी ऑफिस के लोग हैं, बट कुछ लोगों की वजह से वो प्लान कैंसिल भी हो गया। अब कोई नहीं, दोपहर को पता लगेगा कि कौन कौन इन है, कौन कौन आउट है, बट एक जना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। एंड वन मोर थिंग, आज एक इतनी सुंदर चीज़ दिखाने जा रहा हूँ ना आपको कि आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरी बहन ने इतनी मेहनत करी कल और उसका रिजल्ट देखो। उसका रिजल्ट देखो, रेडी, 1 2 3। ये देखो सारी पेंटिंग A to Z कलर। ये जो विष्णु भगवान की मूर्ति है ये बिल्कुल किस कलर में थी, कैसे दिखाऊं तुम लोगों को मैं, कैसे हाँ, ये वाला जो कलर देख रहे हो ना, सेम इस कलर में थी ये मूर्ति, इस वाले कलर में, डार्क वाले में। और अब देखो कैसी है, देख रहे हो भाई, सच्ची बहुत ही अमेजिंग है यार। कि उसने एक एक बारीकी, मतलब इवन आइज़ भी अगर आप देखोगे कि आइज़ भी उसने बनाई है खुद ही। एंड सारे कलर देख लो आप, इसके इसके इसके, इवन ये वाइट डॉट्स, ये सब उसने खुद बनाए हैं। सच्ची यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। कल पूरे 4 से 5 घंटे इन्वेस्ट करे हैं उसने इसे बनाने में। मुझे सच्ची विश्वास नहीं आ रहा। देखो ये रखे कलर्स, ये सारे पेंट ब्रश, ये सारा कुछ बंदे ने पूरी मेहनत करी है रात को यार। उसे गिफ्ट तो बनता ही है। तुम लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप उसे कौन सा गिफ्ट देना चाहिए। मैं जब आ रहा था अभी तो मुझे रास्ते में 24/7 देखा, मैं सोचा वहाँ से सुशी ले लूँ। सुशी ही होता है ना शायद, हाँ शायद सुशी होता है, मुझे आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या कहते हैं उसे, बट हाँ एक गिफ्ट तो बनता ही बनता है उसके लिए। मुझे कमेंट करके बताना कि क्या देना क्या नहीं देना। एंड ये भी देख लो, फोटो बहुत दिन हो गए हो ना, तुमने मिस करी होगी। एंड दिस चल दे, फ्रेश होते हैं, फिर मिलता हूँ मैं आपसे, ठीक है। सो गाइस, क्या हाल है, सब कुछ बढ़िया भाई? अपन तो आ चुके हैं जिम एंड टाइम हो रहा है 14:21, मतलब 2:20 हो रहे हैं और जिम के अंदर कोई भी नहीं है, नो वन इन द जिम। क्योंकि रीज़न क्या है, सैटरडे है। दूसरा रीज़न क्या है, दोपहर हो रही है, सब सो रहे होंगे, घूम रहे होंगे, फ्राइडे नाइट से फुर्सत नहीं मिली होगी लोगों को, इसीलिए सैटरडे को जिम लोग कम आते हैं। 1 2 3, ये देखो हमारा नया जिम बैग, इसे लाने लगा हूँ मैं। अब इसके अंदर अपना सामान रखा है बेड़े, किसी दिन फुर्सत में कभी खोल के दिखाऊंगा कि इसके अंदर है क्या, अभी नहीं दिखा सकता, सॉरी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मिनट्स, आज हमें करनी है शोल्डर की एक्सरसाइज।
फाइनली वो वाला समय आ गया है कि जब मम्मी को स्कूटी सिखाएंगे हम। मम्मी ऐसे सीखेंगे लोग तेरे से कि हाँ चल ये भी तो मेहनत कर रही है, सीख रही है, तो क्या हो गया। जब तू चलाने लगी फिर लोग कहेंगे कि ओ बेट यार क्या बात है चलाने लगी। इस वाले ग्राउंड में सीखेंगे हम, ये हमारा सीखने वाला ग्राउंड है। मम्मी रेस मत दे दियो यार प्लीज, चल चला लेगी तू। अभी कैसे चलाऊं? रख पैर रख, हाँ कर सीधी कर, आ रहे हैं पैर आ रहे हैं, हाँ तो रहे हैं पैर। पहले ऐसे संभालना सीख ले, संभाल पा रही हो तू नहीं, ऐसे धीरे धीरे उठा, बस 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 बस। हाय जब तू रेस देती मेरी सांस फूल जाते, मैंने के क्या कर रही है। चल ये देख रेस, हाँ ये गलती हो जाती है बेटर, ब्रेक मार देती है और रेस ऐसे रह जाती है फुल की फुल। ऐसे नहीं करना तुझे, कैसे करना है ना। हाँ मोड़ नहीं, अब अब यहाँ पे ऐसे मोड़ के, हाँ ऐसे हल्की हल्की चलाना सीखेगी तू, है ना, ऐसा कर मोड़ स्कूटी, हाँ ऐसे सीखेगी। अब मेरे पे चढ़ाएगी ज्यादा से ज्यादा और क्या। चल 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 संभाल लेगी, आराम आराम से, आराम आराम से, चल चल। इसमें तो जान भी नहीं लगानी, रेस दे रखी है बस। अबे कहाँ आ गया, आ गई, आराम से बैठ जा पीछे होके यार। हाँ हाँ धीरे धीरे, बस बस बस, हाँ ऐसे धीरे धीरे कि संभाल, हाँ ऐसे। फिर धीरे धीरे हम पैर ऊपर करना सीखेंगे, फिर तो सीधा चलाएगी। वे यार कैसा ग्राउंड है ये पूरा। चल ये तो कीचड़ भरा हुआ है, वरना यहाँ यहाँ चलाते हैं हम हर जगह, यहाँ सब लोग सीखने आते हैं, है ना। बस बस बस, शाबाश मम्मी यार, ऐसे सीख जाएगी तू। चलो धीरे 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 धीरे, इतना तो आगे भी चली जा ही रही। हाँ बेटे यार क्या बात है, शाबाश यार मम्मी, शाबाश। हट के जा, और कितना रास्ता दूं तुझे, इधर खड़ा हूँ मैं। ये तो फिर हैंडल सीधा कर लेती है। चल इधर मोड़, इधर रुक जा, ब्रेक मार, ब्रेक मार, मोड़ इधर रुक जा, ब्रेक मार, ब्रेक मार। मैं भाग नहीं सकता मम्मी, स्कूटी है। रुक रुक जा, ब्रेक मार। मैं मम्मी यार ऐसे मत कर यार प्लीज। अभी तोड़ाते हुए ले जाएगी, मैं कहाँ तो भागूंगा तेरे पीछे। कैसा लगा तुझे, पैर ऊपर आने वाली बात है अब तो। पैर ऊपर आ जाएंगे धीरे धीरे, ऐसे भी खड़ी हो जाऊंगी। सो वहां से यहाँ ले आई तू, वहां दे पीछे दे, कहाँ से लाई है तू, ये देख बेटे। कहाँ बाहर, फिर मोड़नी पड़ेगी तुझे ऐसे करके। मम्मी आज आज हमारा डे वन है। चल चला, तो पैर ऊपर होने चाहिए इस बार, पहले भी कर रहे थे, अभी तो कर रहे थे आते वक्त, एक बार और ऊपर चाहिए पैर। चल 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 चल, चला शाबाश, चल 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 चल, और धीरे धीरे धीरे, हाँ हाँ हाँ, चल सीधा कर। नहीं मैंने तो नहीं पकड़ रखी, चल हाँ शाबाश, पकड़ नहीं रखी मैंने। तो चलाना सीख गई यार, जैसे स्कूटी ले जाए करेगी, शुक्र है चला तो रही है कम से कम। नहीं मैं तो उधर खड़ा था, और क्या पीते क्या बात है यार, गुस्सी चला लिया यार। तो ऐसे लगा ले 6-7 राउंड, ऐसे मोड़ आराम से, आराम चलो। आराम से चल, धीरे धीरे चल। सो फाइनली मम्मी स्कूटी सीख गई थोड़ी सी, एंड शाबाश बहुत बढ़िया, सुंदर लग रही है इस पे तू, चल। चल 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 आगे ले जाओ, और
हाँ पॉज ले लेते हैं, ज्यादा हो गया। तो स्कूटी भी कह रही है मैं बंद कर दे भाई, क्या करके मानी इतनी चलाना। और क्या मम्मी देख, तूने कम से कम आधा घंटा चलाई, कैसा लगा तुझे चला के, सही से बता दे। बहुत अच्छा लगा। या पानी की बॉटल नहीं लाया, वरना पानी पिला देता मैं तुझे। रोज चलाऊंगी तो सही होगा। हाँ फिर तो चला लेती हूं। हाँ ये तो चला लेगी तू, वो थोड़ा मोड़ने ओढ़ने में दिक्कत होगी, हो जाएगा वो भी, हो जाएगा। साइकिल ही 3 दिन में सीख के। स्कूटी आसान है, स्कूटी ज्यादा आसान है यार, आराम से ऊपर चले जाते हैं। इसमें रेस देनी होती है ना सिर्फ, जाती है आराम से। लेकिन यहां फंस गई थी। कौन तू? हाँ। पतली हो जा फिर। मैं निकल जाऊंगी, थोड़ा सा ब्रेक लगा। बस कुछ नहीं करना, स्कूटी साइकिल से ज्यादा आसान है, सब यही कहते हैं। हाँ, यार हकीकत में। और क्या, लोग मानते नहीं है कि स्कूटी आसान। आगे ले, और स्कूटी आगे ले भी ऐसे पैर। चलो ऑन कर। अब तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, चलाती रहे कंटिन्यूस, चलाती रहे, रोकियो मत। अब उसमें ना ठोक दे। चलो शुक्र है भाई, ड्रीम कम ट्रू गाइस। रोकियो मत, इधर ले आ, इधर इधर ले आ, यहाँ से ले जानी है सीधी। चलो एक ही दिन में सीख गई यार तू तो। आई 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 आई, कहाँ से ले गई, यहाँ से ले जानी थी, यहाँ से ले गई। चलो कोई नहीं भाई, सुबह से शाम हो गई। देखो आज फील्ड पे इतना आके इतना अच्छा लग रहा है ना यार, कि मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कि ऐसा लग रहा है कि ओपे गिर गई। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, इसी देर का इंतजार कर। ये देख कहाँ घुसा दी यार मम्मी। चलो कोई नहीं, ये तो होना ही था अभी, नहीं तो गिर के भी। तो कैसा लगा तुझे आज? आज तूने इतनी स्कूटी चलाई, वो पूरे राउंड तूने छान मारा कि कौन सी कहाँ पे कहाँ कहाँ सूखा पड़ा है, पर तूने गिरा ही नहीं एक बार भी। सोच के देख, पहली बार तूने स्कूटी चलाई। वो भैया आ रहे थे, उन्हें भी बचाया। उन्हें वैसे डर लगता है औरतों के ड्राइविंग से, आदमियों को नहीं। वो साइड साइड हो रहे थे, मैंने उनके अंदर नहीं मारी, मैंने ऐसे कर ली। मार देती क्या हो गया, पहला दिन था यार, एक महीने में तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। वो तो जल्दी सीख जाएगी, मुझे उम्मीद नहीं थी जिस हिसाब से तू चला रही थी आज। मैंने कहा यार पता ऐसे नहीं, ऐसे मोड़ मेरे, ये अंगूठा भी दुखने लग गया। ये बहाने नहीं चलेंगे, अब तुझे ये सब खुद ही लाना पड़ेगा, धनिया मिर्च, अब ये सब तुझे खुद ही लाना पड़ेगा। मार्केट जाने में टाइम लगेगा, मार्केट गली गली में चला सकती हूँ। सुबह सुबह निकलना पड़ेगा तुझे मार्केट के लिए, अपने जिम के लिए निकलूंगी। हाँ जिम, जिम में तो वो भी होती है, खाली रोड पड़ी होती है सुबह। हाँ। सुबह सुबह चली गई आराम से। गली में कुत्ते होते हैं ना, सुबह कुत्ते स्कूटी के पीछे नहीं भागते, भागते हैं तो क्या हो गया, गिरा के छोड़ के आ जाइयो वहीं पे। हनुमान मंदिर वाली रोड से निकला कर, वहीं से निकलती हूँ मैं रोज। चला आजा फिर, अभी ले जाऊंगी लेके उसे। हाँ। अभी और चला लेना, थोड़ा थक गई हूँ, गिर जाती हूँ तब डर जाती हूँ। अभी गिरी कहाँ, वो तो शुक्र है कीचड़ में गिरी, ऐसे गिरी उठ गई। हाँ कीचड़ मतलब कॉटन, नहीं कीचड़ में नहीं गिरी, साइड में गिरी। कीचड़ में, कीचड़ में गिरती तो मेरा बुरा हाल हो जाता। बेटे तो ये था कीचड़ में, दिखा देता हूँ, ये थे यहाँ गिरी थी मैडम, यहाँ पे यहाँ घुसा दी थी क्या बस। हाँ। और घुमा ले यार, वैसे अंधेरा हो गया तो दिखेगा। हाँ, नहीं तो, तो ये अब हमारा एंड हो चुका, अब तुम्हें पता लग गया होगा मम्मी एक बार भी नहीं गिरी कीचड़ में, ये बस नकली का कीचड़ लगा दिया हमने यहाँ पे, ये यहाँ बन जाता अगर मैं ना गिरती तो। कितनी घुमा के लेके गई हूँ ऐसे। अरे वो अंधेरा हो गया ना, तेरी गलती नहीं है यार उसमें। हाँ, मुझे गड्ढे वो दिखाई। बस कोई नहीं, तो बहुत होता है। इसका काम ही करने का है और क्या, ये आई किस लिए। अबे मम्मी बहुत चला लिया यार तूने, चल चले अब, या ले जाएगी वहां तक, ले जाएगी, चल उठा फिर से। पीछे पीछे नहीं बैठ रहा मैं, है नहीं स्टार्ट होती तो पता नहीं लगती, तो ये भी नहीं पता स्टार्ट है या नहीं। चल
सो गाइस फाइनली रीच्ड होम एंड आज मम्मी का पहला दिन था स्कूटी सीखने का, तो छोटा सा डेंट आया, बस छोटा सा डेंट आया, बट कोई नहीं, वो तो मैंने पहले ही माइंडसेट बना रखा था कि हाँ अगर स्कूटी सीखेंगे तो ऑब्वियसली डेंट तो आएगा ही आएगा, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं हो रही मुझे। मैंने कहा निकल जाएगा, क्या पता पहली सर्विस जब कराने जाऊँगा ना 15-20 दिन बाद जाऊँगा तो उनसे पूछ लूँगा कि डेंट सही हो गया फिर नहीं होगा। बाकी काफ़ी अच्छा रहा, मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था मम्मी स्कूटी चला लेगी यार, वो जैसी मतलब खुद ही राउंड लेने लगी, खुद ही ऐसे ऐसे काटने लगी, खुद ही मोड़ रही है, खुद ही ऐसे। इवन मेरे हिसाब से जितना मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने साइकिल उसे जब सिखाई थी नहीं मेहनत लगी थी, पर स्कूटी सिखाने में बिल्कुल मेहनत नहीं लग रही यार मुझे, बिल्कुल भी नहीं, 0%। टचवुड मतलब उसके कभी मतलब उसके अभी तक चोट नहीं लगी, जब गिरी भी थी तो कीचड़ में गिरी थी और वैसे नहीं गिरी थी वो रोड वोड पे, रोड पे अभी नहीं दूंगा मैं, अभी चलाएंगे 1-2 महीने तक सीखेंगे फिर मैं उसे रोड पर उतारूंगा, मैं इनके चल ठीक है अब तू यहाँ पे चला, ऐसे ऐसे करेंगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। बाकी आज का दिन काफ़ी अच्छा था एंड आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना यार कि तुमने स्कूटी चलाना कब सीखा था। इवन मुझे भी कम आती है स्कूटी चलानी क्योंकि मैंने कभी चलाई नहीं थी स्कूटी, जब प्रखर था ना तो प्रखर भी कहता था कि नहीं नहीं भाई तू रहते पर अब मुझे भी स्कूटी चलानी आ जाएगी, ऑल दो सब आता है बट स्कूटी नहीं चलाई थी ना मैंने, बहुत कम चलाई थी बट इसीलिए। एंड हाँ ऐसी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड देखते रहिए वन एंड ऑनली शो विशर्मा ब्लॉग्स। गुड नाइट, लव यू ऑल, टाटा, सी यू टुमारो। ऐसे कर ऐसे।